Assalamualaikum everyone, this is Dr. Arslan Bloch. तो एक बहुत ही कॉमन चीज आजकल सामने आ रही है और पहले भी ये चीज काफी थी, वो ये थी कि बहुत सारे लोगों को ना बॉडी पर आफ्टर शावर जब वो बाथ लेते हैं तो उनकी बॉडी पर उनको इच्ची फील होती है, उनको खुजली सी फील होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है काफी टाइम तक। तो रिसेंटली कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि यार इसकी एक्चुअली क्या रीजन होती है, ये हमें क्यों हो रही है, इसका क्या कोई क्योर है, कोई ट्रीटमेंट है, क्या हमें कोई बीमारी लग गई है या कोई कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो आई वांट टू से दैट इसके बहुत सारे रीजंस होती हैं। फर्स्ट रीजन इज दैट कि आपके वाटर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपके जो वाटर है उसमें कोई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपकी बॉडी के साथ मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अपना जो आपका पानी है वो आप साफ पानी से नहाएं, आप पानी को बॉइल कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। तो आपका पानी प्योरीफाइड होना चाहिए अगर आप शावर ले रहे हो तो। सेकंड थिंग, अपना आप सोप कोई अच्छा सा बाय करें जिसकी पीएच ठीक हो। और थर्ड थिंग इज दैट कि आपकी बॉडी ड्राई भी हो सकती है, तो कुछ मेरी अपनी बॉडी काफी ड्राई है, मैं जूं ही शावर लेता हूँ उसके बाद डायरेक्ट मुझे ये फीलिंग आती है, और ज्यादातर मुझे सर्दियों के अंदर आफ्टर शावर ऐसे फील होता है। तो जब मैं मतलब गीजर का वाटर यूज करता हूँ गर्म, तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर आप लोग गीजर लगवा लें दैट इज रियली गुड। सर्दियों में हमारी स्किन काफी ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से ये चीज ज्यादा फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस होती है। तो बाकी आपको शैम्पू कोई अच्छी सी चूज करें, कुछ लोगों को ऐसे क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा इची फील होती है, मतलब हेयर्स में सारा कुछ, तो आप अपनी शैम्पू चेंज कर सकते हो। और उसके बाद सोप को चेंज करें, कोई ऐसा सोप लें जिसकी पीएच अच्छी हो, जिससे जो अच्छा हो, ज़्यादा केमिकल्स ना हो जिसके अंदर और जो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह को अच्छी तरह मार लेता हो, ठीक है। तो बाकी ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको इच्छी होती है, और ये थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ये इन्फॉर्मेशन आपको बड़ी बड़ी जगहों से, बड़े बड़े डॉक्टर्स से नहीं मिलेगी, बट मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन है एक बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ डिस्कस किया है। मेरे साथ प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा कि आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट take care of these things and you will be fine. So I hope you like this video and please subscribe and please support me. Thank you for watching. Bye bye.